Welcome to Med Sciences. After discussing all the PFTs and basic knowledge regarding the lungs or pulmonary function test, now we are going to discuss the diseases. ठीक है, तो this lecture will be an introductory lecture for the obstructive lung diseases. Overall अगर हम देखें तो respiratory disorders को हमने classify किया है 4 categories में, broad categories की अगर बात की जाए. Obstructive diseases, ठीक है, रिस्ट्रक्टिव डिजीजेज, इन्फेक्शंस एंड मेलेग्नेंसीज, विल डिस्कस देम वन बाय वन. नाउ ऑनवर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में हमारे पास है कौन कौन से डिजीजेज. फर्दर इट इंक्लूड्स एम्फाइसेमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिसको हम कहते हैं COPD. ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज. और ऑब्स्ट्रक्टिव में एस्मा है और ब्रोंकियोइक्टिसिस है. ठीक, अच्छा, वी नो दैट के हमारी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वो किस तरह डिवाइड हो रही है. फ्रॉम नोज और माउथ गोज टू द ट्रेकिया, ठीक है, अप टू ट्रेकिया. देन ट्रेकिया के बाद डिवीजन होगी इनटू द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोस, देन टर्मिनल ब्रोंकियोस. अच्छा, टर्मिनल ब्रोंकियोस तक, फ्रॉम द ब्रोंकाई और ट्रेकिया टिल टर्मिनल ब्रोंकियोस, इस रीजन को, इस जोन को हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन. ठीक है, क्योंकि सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रही है और मॉइस्ट कर रही है, उसके अलावा यहाँ पे हमारी कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही. उसके बाद है हमारे पास है ट्रांजिशनल जोन, जिसे हम रिस्पायरेटरी जोन भी कहते हैं, जो जिसमें है रिस्पायरेटरी ब्रोंकियल्स. टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद दो में डिवाइड होगी हर एक टर्मिनल ब्रोंकियल टू द रिस्पायरेटरी ब्रोंकियल्स, देन टू द एल्वियुलर डक्ट्स, देन एल्वियुलर सैक्स, देन इंडिविजुअल एल्वियुलस. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी जोन. अच्छा, इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ हैं, सर्टेन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज अकरिंग इन एट द लेवल ऑफ द कंडक्टिंग जोन एंड अदर्स आर एट द लेवल ऑफ रिस्पायरेटरी जोन. ठीक है ना, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो दिस इज इंटायरली अकरिंग इन द ब्रोंकाई और ब्रोंकस. एस्मा एंड ब्रोंकियोइक्टिसिस, ये भी हमारे पास ब्रोंकाई में होते हैं और ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. ठीक है, एम्फाइसेमा रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, एंड एस्मा एंड ब्रोंकियोइक्टिसिस ऑल्सो कैन अकर इन द रिस्पायरेटरी जोन एज वेल. ठीक है, तो अगर एस्मा और ब्रोंकियोइक्टिसिस की बात की जाए तो वो दोनों जोन में हो सकती हैं. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इंटायरली इन द कंडक्टिंग जोन इन द ब्रोंकाई, एंड एम्फाइसेमा इंटायरली इन द रिस्पायरेटरी जोन इन द रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स इन एल्वियुलर एंड एल्वियुलर डक्ट्स. ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू गोल्ड, गोल्ड क्या है, ग्लोबल एक क्लासिफिकेशन है हमारी COPD की, जिस तरह उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी उनको क्लासिफाई किया है. ठीक है ना, तो उन्होंने कहा है कि COPD इज़ अ कॉमन प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल बट नॉट क्योरेबल. जैसे इसे हम परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते. ठीक है ना, डिजीज़ विच इज़ कैरेक्टराइज बाय परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन, यूजुअली प्रोग्रेसिव. एस्मा के अलावा जिस जो के पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर के बाद वो सही हो जाता है. ठीक है ना, ड्यू टू एयर वेट और एल्वियुलर एबनॉर्मैलिटीज, यूजुअली कॉज बाय सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू नॉक्सियस पार्टिकल्स और गैसेस. ओके, सो इसमें हमने कहा कि क्या क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, दोनों को हम साथ में कहते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, देन एस्मा एंड ब्रोंकियोइक्टिसिस. तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डिफाइंड एज, क्योंकि हम यहाँ पे COPD डिस्कस कर रहे हैं तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा को हम ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ कफ एंड स्प्यूटम प्रोडक्शन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स इन ईच 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स. ठीक है ना, 2 सालों से 3 महीने तक कंटिन्यूसली उन्हें कफ है, स्प्यूटम प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव कफ है, एंड इट्स नॉट नेसेसरली एसोसिएटेड विद द एयर फ्लो लिमिटेशन. एयर फ्लो ईजिली हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि एयर फ्लो लिमिटेशन हो, ज़रूरी नहीं है कि उसे डिस्निया हो. ठीक है, सो इट्स नॉट नेसेसरी. देन एम्फाइसेमा, वट इज़ एम्फाइसेमा, इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंशन ऑफ एयर स्पेसिस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकियल. तो हमने कहा ये कहाँ हो रहा है, रेस्पिरेटरी जोन में इन द एसिनस, विद डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियुलर सेप्टा बट विदाउट ऑब्वियस फाइब्रोसिस. ज़रूरी नहीं है कि फाइब्रोसिस हो. ठीक, ओके, वट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द COPD? टोबैको स्मोक, इनडोर एयर पॉल्यूशन,
और पॉल्यूटेंट, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, आउटडोर एयर पोल्यूशन, जेनेटिक फैक्टर्स भी उनकी हो सकती हैं, ठीक है ना, अल्फा वन ट्रिप्सिन डिफिशियंसी हो गई, एम्फाइसेमा, अदर एसोसिएशन लाइक जीन्स हैं, MMP12, ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, एज और सेक्स आर ऑल्सो रिस्क फैक्टर्स लाइक एजिंग एंड फीमेल सेक्स इंक्रीजेज द COPD रिस्क अफेक्टिंग लंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग जेस्टेशन एंड चाइल्डहुड. तो लो बर्थ वेट, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं. लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एस्मा एंड एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी एंड इन्फेक्शंस. ओके, अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें, किसकी, एम्फाइसेमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस COPD, ठीक है, तो इन जनरल हम उसको किस तरह रिटेन कर सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं दोनों की पैथोजेनेसिस की हम एक साथ बात कर लें, ठीक है. जैसे कि अगर हमारे पास एम्फाइसेमा है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी है, ठीक है, बिकॉज एम्फाइसेमा इज कॉज्ड बाय टू मेन कॉजेज उसकी हैं. एक तो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, ठीक हो गया, और दूसरा है स्मोकिंग, ठीक है. तो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन अगर डिफिशियंसी है तो लॉस ऑफ अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन रिजल्ट्स इन अनपोज्ड ब्रेकडाउन ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स बाय इलास्टेज. अब हमें पता है के इलास्टेज, ठीक है, जो कि न्यूट्रोफिल से रिलीज़ होता है, जो कि एक प्रोटीएज है, प्रोटीन को यानी इलास्टिक फाइबर्स को, कोलेजन फाइबर्स को ब्रेक डाउन करता है, और कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स हमारे लंग्स के अंदर एक नॉर्मल रिकॉइल फोर्स जनरेट कर रहे होते हैं, विच हेल्प इन द एक्सपायरेशन, ठीक है, पैसिव एक्सपायरेशन करवा रहे होते हैं, ठीक. ओके, तो अगर वो हमारे पास नहीं होगी, वो फोर्स्ड, हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़. तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ की डेफिनेशन क्या है कि वी कैन नॉट एक्सपायर नॉर्मली, ठीक है, इंस्पायर तो हम नॉर्मली कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज एक्सहेलिंग द एयर आउट, एक्सपायरिंग द एयर आउट, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर आउट, ठीक है ना, एयर को बाहर निकालने में ऑब्स्ट्रक्शन है. तो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी में क्या होगा कि इलास्टेज, क्योंकि अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है वो इलास्टेज को ब्रेक डाउन करती है. अगर अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन नहीं होगी तो इलास्टेज ब्रेक डाउन नहीं होगी, और इलास्टेज कंटिन्यूसली हमारे इलास्टिन को, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती रहेगी, और इलास्टिसिटी विल बी डिक्रीज एंड कंप्लायंस विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है. तो COPD में या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में कंप्लायंस इज इंक्रीज एंड इलास्टिक रिकॉइल इज डिक्रीज, क्योंकि हमें पता है कंप्लायंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिक रिकॉइल. नाउ If there is no alpha 1 antitrypsin, तो क्या होगा, there is no inhibition of the elastase, ठीक है, which is a protease from the neutrophils, because neutrophils are aggregated because of inflammation, ठीक है ना, exposure है, ठीक है, कोई भी risk factor जो हमने सब discuss किया उसकी वजह से inflammation अगर हो गई है तो neutrophils, chemotactic factors release हुए हैं तो neutrophils वहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने elastase release किया, metalloprotease release किया, उसकी वजह से उन्होंने elastic fibers को break down करना शुरू कर दिया. और alpha 1 antitrypsin नहीं है, जो हमारी नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज़ डिस्ट्रप्टेड ऑल्सो. सो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हो गए, एनी एक्सपोज, एनी स्टिमुलस, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज द इलास्टिन बाय प्रोटीओलाइसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्विलर वॉल्स एंड कैपिलरीज, ठीक है. फिर क्या होगा, इलास्टिक रिकॉइल इज डिक्रीज, इनलार्ज्ड एयर स्पेसेस, इंक्रीजेस द कंप्लायंस एंड लॉस ऑफ एल्विलर अटैचमेंट, एयर ट्रैपिंग हो जाएगी वहाँ पे ऑन एक्सपायरेशन. तो एक्सपायरेशन में हम एयर ट्रैप करते रहते हैं, उसको हम एक्सपायर नहीं कर सकते, ठीक है, इन द COPD. इम्पेयर्ड गैस डिफ्यूजन इज ऑल्सो देयर एंड डायनेमिक हाइपर इन्फ्लेशन, इंक्रीज कंप्लायंस लीड टू एम्फाइजीमा. अब अगर हम बात करें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, ठीक है, जो कि मेनली हमारे पास हो रही होती है ड्यू टू द स्मोकिंग, बायोमास बर्निंग, एक्सपोजर, कोई भी जो है नॉक्सियस पॉल्यूटेंट या एक्सपोजर, वो करवा रहे हैं इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन लीड टू इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एंड साइटोकाइन, ठीक है, और म्यूकस हाइपर सिक्रीशन है, स्क्वेमस सेल मेटाप्लेशिया, गॉबलेट सेल्स इंक्रीज है, म्यूकस हाइपर सिक्रीशन है, सीलियरी डिस्ट्रक्शन हो गया. अब जब म्यूकस हाइपर सिक्रीशन होगी ना, तो जो हमारी नॉर्मल एपिथेलियम है रिस्पायरेटरी ट्रैक की, उसकी सीलियरी मूवमेंट है, विच एक्सपेल दी नॉक्शियस स्टिमुलाई आउट, ठीक है, सीलियरी मूवमेंट से. अगर म्यूकस हाइपर सिक्रीशन होगी तो सीलियरी डिस्फंक्शन भी होगी, इसलिए उनके ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन के कॉजेज बहुत ज़्यादा, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है. तो इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, साइटोकाइन लीड टू फाइब्रोसिस, थिकनिंग ऑफ ब्रोंकियल वॉल, ठीक है, एडिमा एंड स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी. फिर
एक इरिवर्सिबल डायनेमिक नैरोइंग हो जाएगी हमारी स्मॉल एयरवेज की, देन लीड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी. क्या एम्फाइजेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इन सब की वजह से जो हमने अभी पढ़ा उसकी वजह से हो क्या रहा है, हम कैसे हम कह सकते हैं इट इज़ एम्फाइजेमा और इट इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और इट इज़ सीओपीडी, इट इज़ नॉट अ रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली इफ़ यू टॉक अबाउट एम्फाइजेमा फर्स्ट, वी कॉल देम पिंक पफर्स. ठीक है, व्हाई? बिकॉज दे आर थिन, दे हैव सीवियर कैकेक्सिया, सीवियर मसल वेस्टिंग, बिकॉज उनकी एक्सपायरेशन नॉर्मल नहीं हो रही है, तो वो जो एक्सपायरेशन के लिए वो अपने मसल्स को एक्टिव एक्सपायरेशन डिस्पायरेशन के लिए. ठीक है, अच्छा तो होगा क्या कि एम्फाइजेमा में हमें पता है व्हाट इज़ अ पैथोजेनेसिस विच डिक्रीजेज द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स एंड एल्वियोलर डिटैचमेंट अकर. अगर इलास्टिक रिकॉइल डिक्रीज हो रही है तो लंग कंप्लायंस इंक्रीज हो रही है. ठीक है, और लंग कंप्लायंस इंक्रीज होने की वजह से हमारी वेंटिलेशन डिस्टर्ब होगी. वेंटिलेशन इज डिस्टर्ब. नाउ देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिलरी बेड. कैपिलरी बेड की डिस्ट्रक्शन की वजह से परफ्यूजन भी हमारी डिस्टर्ब्ड है, तो परफ्यूजन इज ऑल्सो इंक्रीज. प्रोपोर्शनली जब दोनों इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो देयर इज मैच्ड वीक्यू डिफेक्ट. ठीक है, मैच्ड वीक्यू डिफेक्ट यानी कोई वीक्यू डिफेक्ट है ही नहीं, कोई परफ्यूजन वेंटिलेशन डिफेक्ट है ही नहीं, बिकॉज दोनों ही डिक्रीज है. ठीक है, प्रोपोर्शनली दोनों ही डिक्रीज है. और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिलरी बेड की वजह से डी एल सी ओ इज ऑल्सो डिक्रीज. नाउ एयर ट्रैपिंग और एक्सपायरेशन, एयर ट्रैप्ड होगी बिकॉज एयर वी कैन नॉट एक्सपेल द एयर आउट, वी आर सी ओ पी डी पेशेंट्स. नाउ इट इंक्रीजेज द एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी जिसकी वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होगी, टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी एंड वाइटल कैपेसिटी इज डिक्रीज बिकॉज वी कैन नॉट एक्सपेल द एयर आउट नॉर्मली. दैट लीड टू अ बैरल चेस्ट बिकॉज द रेजिडुअल वॉल्यूम इज इंक्रीज एंड टोटल लंग कैपेसिटी इज इंक्रीज. तो जो चेस्ट होगी हमारे लंग्स होंगे दैट आर हाइपर इन्फ्लेटेड एंड इट लुक लाइक अ बैरल चेस्ट. ठीक है, अच्छा मैच्ड वीक्यू डिफेक्ट कॉजेज रिलेटिवली वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंटिल लेट स्टेज. तो वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अंटिल द सीवियर स्टेज और लेट स्टेज, दैट्स वाई वी कॉल देम पिंक पफर्स. उनमें कोई वीक्यू मिसमैच नहीं है, हाइपोक्सीमिया नहीं है. ठीक है, इंक्रीज लंग कंप्लायंस नाउ इंक्रीजेज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग, दैट्स वाई इन सी ओ पी डी पेशेंट इन एम्फाइजेमा देर इज डिस्निया, केकैक्सिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीजेस. ठीक, इन्फ्लेमेशन फॉर ऑल सी ओ पी डी. अच्छा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दैट लीड टू इंक्रीज एफ ई वी वन टू एफ वी सी रेशियो एंड डिक्रीज एफ ई वी वन मोर देन एफ वी सी, वी नो दैट. ठीक है ना, तो उसमें डिसप्रोपोर्शनल डिक्रीज है जिसकी वजह से रेशो इज़ ओवरऑल डिक्रीज, दैट कॉजिंग वीजिंग, एल्वियोलर हाइपोक्सिया. ठीक है, जिसमें हम ऑक्सीजन थेरेपी के जरिए करेक्ट कर सकते हैं. एंड म्यूकस हाइपर सिक्रेशन इन द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लीड टू प्रोडक्टिव कफ विद कॉपियस स्पीटम. नाउ यू कैन डिस्टिंग्विश इन द पिंक पफर एंड ब्लू ब्लॉटर्स इन द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजेमा. वहाँ पे हमारे पास क्या था कि प्रोडक्टिव कफ नहीं है, देयर इज़ कफ बट दैट्स स्कैंटी कफ है. ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्टिव कफ है ड्यू टू द म्यूकस हाइपर सिक्रेशन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बिकॉज हमें पता है उसमें वजह क्या है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एनी नॉक्सियस ट्यूबुलाई. नाउ दीज एल्वियोलर हाइपोक्सिया कॉजेज वीक्यू मिसमैच. ठीक है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो गई है, पल्मोनरी वैजो कंस्ट्रक्शन करवाएगी भी. नॉर्मली क्या होता है कि लंग्स, अच्छा नॉर्मली क्या होता है कहीं पे अगर हाइपोक्सिया हो गया दैट लीड टू डायलेशन ऑफ द वेजल्स, लेकिन लंग्स में क्या होता है अगर डिक्रीज इन ऑक्सीजन हो गया तो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है वो. ठीक है, सो वीक्यू मिसमैच लीड टू पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन. अच्छा वीक्यू मिसमैच जो होगी, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच कॉजेज हाइपोक्सीमिया, इट कॉजेज हाइपरकार्बिया. ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा है तो प्रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करवाएगी, हाइपोक्सीमिया कॉजेज पॉलीसाइथीमिया. ठीक, और हाइपोक्सिया की वजह से द पेशेंट लुक्स साइनोटिक, दैट्स वाई वी कॉल देम ब्लू ब्लोटर्स. राइट, पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन क्या करवाएगी, दैट लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन बिकॉज वेजो कंस्ट्रक्शन है तो हाइपरटेंशन करवाएगी और उसकी वजह से डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट. ठीक, एंड दैट कैन लीड टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर. Decrease left ventricular output lead to decreased circulating volume and activation of the renin angiotensin system that causes fluid retention.
ठीक है, और राइट साइडेड हार्ट फेलियर वी कॉल देम कॉर पल्मोनेल विच इंक्रीजेज द JVP बिकॉज जुगलर वेनस डिस्टेंशन हो जाएगी तो प्रेशर विल भी इंक्रीज, लाउड P2 पैरास्टर्नल हीव एंड पेरिफेरल एडिमा विल ऑल्सो बी देयर। अच्छा, जो COPD में हमारे पास जितने भी डिजीजेज हैं लाइक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और है एम्फाइजीमा है और ऑब्स्ट्रक्टिव फर्दर जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज हैं लाइक एस्मा और ब्रोंकियोइक्टिसिस, सब में ना एक ओवरलैप होती है बिकॉज दे क्लिनिकल फीचर्स आर सिमिलर, ठीक है, और उसकी वजह से जो आउटकम हैं फिजिकल एग्जामिनेशंस हैं देट आर ऑल्सो सिमिलर, तो देर इज ओवरलैपिंग अकरिंग बिटवीन ऑल द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज, एम्फाइजीमा, एल्वियर वॉल ऑब्स्ट्रक्शन, ओवर इन्फ्लेशन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, प्रोडक्टिव कफ, एयरवे इन्फ्लेमेशन, एस्मा, रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस और इन्फेक्शन, ठीक है ना, सब में एक ओवरलैप है, दैट्स व्हाई वी नीड सर्टेन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द COPD एंड एस्मा, देन अगेन वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन COPD में भी एम्फाइजीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को भी हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अगर इन जनरल उनको एज समरी में हम डिस्कस करें व्हाट आर द डिफरेंसेस, सबसे पहले एनाटॉमिक साइड, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकस इज इन्वॉल्व, ब्रोंकियोइक्टिसिस में भी ब्रोंकस, एस्मा में भी ब्रोंकस, एम्फाइजीमा वी नो दैट एसिनस इज इन्वॉल्व, रेस्पिरेटरी जोन इज इन्वॉल्व, स्मॉल एयर डिजीजेस ब्रोंकियोलाइटिस जो एक्चुअली अलग नहीं है वो हमारे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और उनमें ही ब्रोंकियोलाइटिस हो जाती है, दैट इज इन द ब्रोंकियोज, ठीक है। मेजर पैथोलॉजिक चेंजेस क्या होती हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, म्यूकस ग्लैंड हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरसिक्रीशन, म्यूकस हाइपरसिक्रीशन, और ब्रोंकियोइक्टिसिस में एयरवे की डायलेशन होगी, प्रिस्कैरिंग होगी, एस्मा में स्मूथ मसल्स बहुत ज़्यादा हाइपरप्लास्टिक हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेस म्यूकस और इन्फ्लेमेशन होती है, एम्फाइजीमा एयर स्पेसेस आर इनलार्ज्ड एंड एल्विलर वॉल एंड सेप्टा आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, स्मॉल एयरवे इन्फ्लेमेशन, स्कैरिंग, ऑब्लिटरेशन। एटियोलॉजी क्या है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, ऑब्वियसली वी नो दैट जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ब्रोंकियोइक्टिसिस, पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन, एस्मा इम्यूनोलॉजिकल और मे बी जेनेटिक, एम्फाइजीमा टोबैको स्मोक और मे बी L5-1 इंटरप्शन डिफिशियंसी, ठीक है, और जो स्मॉल एयरवे डिजीजेज हैं वो उन सब ऊपर सबकी वजह से हो रही है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो कफ विथ स्प्यूटम प्रोडक्शन, ब्रोंकियोइक्टिसिस है तो कफ फीवर भी होगी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, पेरलेंट स्प्यूटम, ठीक है, एस्मा है तो एपिसोडिक वीजिंग होगी, कफ एंड डिस्निया भी, ठीक है, एम्फाइजीमा डिस्निया, ठीक है। अच्छा, एम्फाइजीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दोनों में डिस्निया होगी, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जो डिस्निया है दैट इज़ लेस सीवियर देन एम्फाइजीमा, स्मॉल एयरवे डिजीज कफ एंड डिस्निया। अब देख सकते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स कितने सिमिलर हैं, दैट्स व्हाई वी नीड सर्टेन क्लासिफिकेशन, सर्टेन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। COPD एसोसिएटेड विद द इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस, एल्वियर एंड पल्मोनरी कैपिलरी डिस्ट्रक्शन, एयर ट्रैपिंग, क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन, क्योंकि हमारी ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही है, ठीक है, वी कैन नॉट एक्सपेल द एयर आउट, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन है, ठीक है, हाइपोक्सिया वो कॉज करवा सकता है, डिक्रीजेस द वेंटिलेशन, डिक्रीजेस द परफ्यूजन, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो पल्मोनरी वेजल्स हैं एडजेसेंट टू द अंडर वेंटिलेटेड एल्वियोलाई टेंड टू कॉन्स्ट्रिक्ट, वो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाएंगे, दैट लीड टू पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड वर्क ऑफ राइट हार्ट इज इंक्रीज्ड, दैट लीड टू दैट COPD इम्पोजेज द क्रॉनिक स्ट्रेन ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिजल्टिंग इन द कॉर पल्मोनरी। COPD और अगर हार्ट की बात की जाए तो एलोंगेशन होती है एंड वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ हार्ट इट्स सीन इन द COPD स्पेशली इन द एम्फाइजीमा, क्योंकि हाइपर एक्सपेंडेड हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हैं दैट इम्पोज एन एक्सटर्नल कंप्रेशन इन द हार्ट एंड लोअरिंग ऑफ द डायफ्राम, तो इसकी वजह से जो एक हमारी जो पिक्चर आएगी चेस्ट की दैट इज एलोंगेशन एंड वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ हार्ट में दिखाई देगी, ठीक है, और क्लॉक वाइज रोटेशन ऑफ द हार्ट इन ट्रांसवर्स प्लेन ड्यू टू फिक्स्ड अटैचमेंट, क्योंकि जो हमारी ग्रेट वेसल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, अटैच्ड हैं, ठीक है ना, तो मीडियास्टिनम में वो हमारी जो वॉल है, ठीक है, जो पेरिकार्डियम है उससे और तमाम जो हमारी वेसल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, अटैच्ड हैं, तो जब हमारी जो लंग्स हैं वो ओवर इन्फ्लेट करती हैं, ठीक है ना, तो इसकी रोटेशन होती है हार्ट की द क्लॉकवाइज रोटेशन इन द ट्रांसवर्स प्लेन। अच्छा,
अगर ECG में देखें तो रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डैम्पनिंग इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज एयर बिटवीन द हार्ट एंड रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉड्स, क्योंकि एयर जो है वो ट्रैप्ड है लंग्स में, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा एयर ट्रैप्ड है उसकी वजह से डैम्पनिंग होगी। अच्छा, अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइजेमा को फिर से एक बार रिवाइज करें, व्हाट विल बी द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स? एज ब्रोंकाइटिस में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में एज इज लेस देन द एम्फाइजेमा, डिस्निया इज माइल्ड, कफ इज विद स्प्यूटम, इन्फेक्शंस आर कॉमन, रेस्पिरेटरी इंसफिशेंसी बार्बर दैट इज रिपीटेड, कॉर पल्मोनेल इज वेरी कॉमन, एयर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, इलास्टिक रिकॉइल नॉर्मल है, ठीक है, चेस्ट रेडियोग्राफ प्रोमिनेंट वेसल लार्ज हार्ट अपेयरेंस विल बी ब्लू ब्लोटर साइनोटिक, ठीक। अगर एम्फाइजेमा है तो मोर एज देन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्निया इज सीवियर ऑन अर्ली स्टेजेस, सीवियर बट इट अकर इन अर्ली स्टेजेस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इट्स माइल्ड बट अकर इन द लेट स्टेजेस, ठीक है। कफ स्कैंडी स्प्यूट विदाउट स्प्यूटम, ठीक है, इन्फेक्शंस आर ओकेजनल इन द एम्फाइजेमा देन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, रिस्पायरेटरी इंसफिशियंसी इट इज टर्मिनल, कॉर पल्मोनेल इज रेयर, एयरवे रेजिस्टेंस इज नॉर्मल और स्लाइटली इंक्रीज, इलास्टिक रिकॉइल इज लो, चेस्ट रेडियोग्राफ हाइपर इन्फ्लेटेड एंड स्मॉल हार्ट, ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लार्ज हार्ट, एम्फाइजेमा स्मॉल हार्ट, अपेयरेंस इज पिंक पफर बिकॉज ऑफ मैच्ड वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन रेशो, देर इज माइल्ड हाइपोक्सिया जो कि पिंक पफर के सूरत में नजर आएगी। अच्छा, देर इज़ अ गोल्ड क्राइटेरिया फॉर द सीवियरिटी ऑफ COPD एंड द स्टेजेस आर 0 to 4। जीरो मतलब के रिस्क क्या है, मतलब वो रिस्क पर है, अभी तक कोई COPD जनरेट नहीं हुआ, वो डिजीज़ अभी तक डेवलप नहीं हुई, लेकिन ही और शी इज़ एट रिस्क, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे, क्रॉनिक कफ एंड स्प्यूटम प्रोडक्शन, अगर ये दो सिम्टम्स हैं तो दैट्स मीन दैट ही और शी इज़ ऑन रिस्क ऑफ डेवलपिंग COPD। स्पायरोमेट्री इज़ नॉर्मल एंड गोल्ड स्टेज 1 severity will be mild and symptoms are with or without chronic cough or sputum production. Chronic cough or sputum production ho bhi sakta aur nahi bhi ho sakta. And now the gold criteria is actually based on the FEV1 to FVC ratio. ठीक है ना, तो FEV1 और FVC जो ratio है वो 80% है in the mild cases. And in moderate it is less than 80. In severe or stage 3 it is less than 50, or stage 4 or very severe condition it is less than 30%.